नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है बल्कि आम आदमी पार्टी को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर के संज्ञान ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि राउल्स एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के ये संज्ञान लिया है। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी का वारंट भी जारी किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान भी रिकॉर्ड किया है। यह घटना दिल्ली के हाई कोर्ट द्वारा पीएमएलए मामले में उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुई है। बता दें कि अदालत की अनुमति के बाद सीबीआई ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर उन्हें मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया है। मई में उन्हें आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और 3 दिन की पुलिस हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती भी दी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए याचिका भी दायर की। दोनों मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब से शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, उसके बाद से दिल्ली की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो पानी की कमी का मामला हो या फिर बारिश में जिस तरीके से दिल्ली के विकास मॉडल की पोल खुली हो, ये मामला हो, अब इन तमाम मामलों को लेकर के बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठाए थे और ये कहा था कि कैसे एनडीए के जो एक सांसद है उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। इसको लेकर के भी जो बयान है केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को काफी ज्यादा बीजेपी की ओर से घेरा गया है। उनके इन सवाल को लेकर के भी ये कहा गया कि अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर के भी सवाल उठा रही है। खैर, दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला भी बोला है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। वो आदेश नहीं दे रहे हैं, वो कुछ लोगों की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। उनसे लगातार दिल्ली के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लूट हुई है दिल्ली के खजाने की, उसकी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज, जांच से क्यों घबराते हैं? उन्होंने जो घोटाला किया है, सत्येंद्र जैन ने जो अभी आया है, उस घोटाले की भी जांच होगी, तो उस जांच को सौरभ भारद्वाज क्यों रोकना चाहते हैं? मैं देखता हूं जब जब जांच की बात आती है आम आदमी पार्टी जांच का ही विरोध करती है। साच को आंच क्या, होने दो जांच। लेकिन चूंकि ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए जांच शुरू होते ही ये बौखला जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जांच में दोषी पाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो करप्शन का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इससे दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनावों में जीत बीजेपी की होने वाली है, क्योंकि अब दोबारा से आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली, क्योंकि अब ये चीज दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति भारत सरकार की कंपनी से रिश्वत मांग सकता है। और आम आदमी पार्टी के लोग तो काले कारनामे करने में माहिर हैं, नए नए प्रयोग करते हैं,
जो शराब नीति बनाने में घोटाला करते हैं, जल बोर्ड को लूटने का काम कर सकते, तो निस्संदेह सीसीटीवी कैमरा लगाना जो महिला सुरक्षा के लिए जरूरी थे, दिल्ली की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, अगर उस पर भी वो कमीशन मांग रहे हैं सत्येंद्र जैन, और अगर उसकी जांच हो रही है तो फिर इनको घबराहट क्यों हो रही है? होने दीजिए जांच, परते खुलेंगी, काले चेहरे आपके जो हैं और सामने आएंगे। ये सवाल उनको माननीय न्यायालय से पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में है तो माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार है। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार की है, शराब नीति में घोटाला किया, किकबैक लिया, कमीशन खाई है, सजा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण यानी कि पीओसी अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सत्येंद्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के 571 करोड़ रुपए की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये जो जांच का विषय उठाया जा रहा है या फिर एलजी की ओर से जांच की मंजूरी दी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। सुनिए सौरभ भरद्वाज का ये बयान। देखिए, हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी, मगर समस्या ये है कि एलजी साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं, और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने देखा वहाँ पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा, ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा, ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा, ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने जो इतनी सारी जांचें दी उसमें हो क्या रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चीज है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के लिए डीओवी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। एसीबी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने में हुई देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए कंपनी से 7 करोड़ रुपए का रिश्वत भी वसूला है। सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और परियोजना के नोडल अधिकारी थे। सत्येंद्र जैन ने गिरफ्तारी के बाद फरवरी 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग हवाला केस में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। उनके अलावा अगर बात हम आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्रियों की करें तो मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्हें भी इस वक्त सलाखों के पीछे शराब घोटाला मामले को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। और शराब घोटाला मामले को लेकर के ही ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया था उसी मामले पर कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।